काम चल रहा है अभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ मशीनरी वर्क है, कोई निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उठता था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की अन जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज द बेस्ट पर्सन। 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करना है। मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे, थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 घंटे इसलिए ऐड करते हैं। तो 15 से 18 घंटे करिए कोशिश कर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिल 11 सुरंग के अंदर 41 मजदूर 12 दिनों से फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक वे लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। कल तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिर आज उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी और दूसरे अफसरों ने स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि अभी मजदूरों को बाहर निकालने में समय लग सकता है। दरअसल गुरुवार को CM धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने सुरंग के अंदर पहुंचकर फंसे मजदूरों से बातचीत भी की और राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। CM के दौरे के बाद PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने बताया है कि अभी तक 45 मीटर तक के मलबे को हटाया जा चुका है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए आगे 18 मीटर और जाने की जरूरत है। कितने मीटर तक हम लोग पहुँचे? 45 मीटर तक। सर वो जो हर्डल आया था उसकी क्या स्थिति है? सर नहीं, जो हर्डल आया था वो तो निकाल दिया गया है, वो तो निकाल दिया गया है। रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों को? देखिए वो आशंका तो बनी रहेगी ना, ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो ज़मीन पर गिरे होंगे, और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहाँ हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि कुछ देर पहले आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बोला था 12 से 15 घंटे, तो ये असेसमेंट क्या है सर, कैसे कैसे 12 से 15 घंटे लगे? 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करने में। तो मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे, थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 घंटे इसलिए ऐड कर दिए। तो 15 से 18 घंटे करिए कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर अंदर जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तबीयत कैसी है सर, डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत हो रही है? लगातार उनको जो अटेंशन ज़रूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, दिया जा रहा है और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड सरकार के सेक्रेटरी और नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि कल रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी अड़चन आ गई थी, इस वजह से मजदूरों तक पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है, हालांकि इस अड़चन से पार पा लिया गया है। टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है, और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भी काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोग उनको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया था। जैसे आप सभी अवगत हैं क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहां पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहां पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का 25 mm का, तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया, तो हमारे यहाँ पर जिस तरह NDRF की टीम भी है, SDRF की टीम भी है, तो NDRF के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया वो दिखाया, फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जाकर के 40 मीटर से ज़्यादा 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जाकर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए, गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है
ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया वो भी नहीं हो पाए, तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए, उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर दो एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी NDRF की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी, वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया NDRF की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा, उनके आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गड़ल होती है, वो गड़ल आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है, हो सकता है ऐसी 1-2 अवरोध और आएंगे तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है, सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे। कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था, फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा, तो दे आर जस्ट ट्राइंग, कई बार होता है मशीन नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है क्या होगा, जो मशीन का ऑपरेटर है ही इज द बेस्ट पर्सन, तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है, ऑल द ऑफिसर्स एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग देम। वहीं सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा इस पर गढ़वाल रेंज के IG केस नगनयाल खुलकर बोलने से बचते दिखे, उन्होंने कहा कि रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, प्रयास जारी है, जो हमारे एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा ये जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो प्रगति पर है अभी, और बहुत जल्दी इसमें संभावना है कि फिर रेस्क्यू होगा। कुछ टाइमलाइन सर बताया गया है? नहीं नहीं टाइमलाइन नहीं, वो काम चल रहा है अभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ मशीनरी वर्क है, कोई इस निश्चित समय नहीं कहा जा, क्योंकि पहाड़ों में शाम का वक्त थोड़ा कठिन होता है रात का, तो क्या आज देर शाम तक संभव? नहीं, काम चलता रहेगा, वो तो रेस्क्यू का काम है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। CM धामी भी जिले में कैंप कर रहे हैं। टनल के बाहर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। मजदूरों के बाहर आते ही डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।